प्रिंसिपल सर के बेटे का मार्क्स बढ़ाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था और उसी के कारण से ये मत हुआ। आप हमें शक तो उसी में है और प्रिंसिपल सर का बेटा उनको बोर्ड में 99% आया है जबकि वो इतना अच्छा स्टूडेंट है भी नहीं और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जिसको हमेशा आते थे ऐसे 98-99% उन लोगों को 88 या 90% ऐसे मार्क्स आए। ऐसा क्यों हुआ? पंकज सर एग्जाम सेल के हेड थे, कभी जो कोविड के चलते इस बार जो एग्ज़ाम हुआ नहीं है बोर्ड्स का, वो जो मार्क्स भेजा गया स्कूल से उसका पूरा मतलब पूरा काम पंकज सर ने संभाला, तो उन्हीं का मर्डर हुआ है और वो भी एग्ज़ाम सेल के अंदर ही। क्यों? और अगर ये वो मर्डर भी नहीं है तो सुइसाइड अगर उन्होंने किया होगा तो क्यों किया होगा? कोई अगर सुइसाइड करता है तो वो ऐसे करता है? हम यही जानना है कि हुआ क्या था एक्चुअली। आप लोग जो इतने तरह से स्टूडेंट है कहाँ का है आप लोग? हम सभी हमें जो है सभी आश्रम रहते हैं। थैंक यू, ठीक है।